जो विचारधारा आपकी वहां प्रवेश नहीं कर सकती, तो वो विचारधारा आपकी चार दीवारी के अंदर भी प्रवेश नहीं होनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञा क्या कहती है? ताला ठोक देती है, ताला लगा देती है, ताला। आप समझो कि जो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करता है और ध्वस्त करके नई व्यवस्था निर्माण करने का आह्वान करता है, क्या उसकी आत्मा नहीं रोती होगी? लोग मंच से बहुत दहाड़ दहाड़ करके, बहुत बड़े मिशनरी बन करके भाषण देते हैं, और जब मैं उनके घर में झांक करके देखता हूं, उनके गले में झांक करके देखता हूं, तो मुझे खोखले मिलते हैं। ये एक वैचारिक युद्ध हमारे देश में चल रहा है। दो विचारधाराओं का यह युद्ध है। एक है समण संस्कृति और एक तरफ है ब्राह्मण संस्कृति। 18 मार्च 1956 परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर की वेदना। बाबा साहेब अंबेडकर ने उच्च कोटि की शिक्षा हासिल करके इस देश में वैधानिक लोकतंत्र स्थापित किया। वैधानिक लोकतंत्र, लोकतंत्र पहले रहा होगा, मगर वैधानिक तौर पर अगर लोकतंत्र स्थापित हुआ तो भारत में संविधान लागू होने के बाद ही हुआ, और संविधान का निर्माण परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। और बाबा साहेब अंबेडकर इस आगरा की भूमि पर अपनी वेदना व्यक्त करते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुसीबतों को झेल करके यहां तक लाया हूं, अगर आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। ये वेदना क्यों थी बाबा साहेब अंबेडकर की? क्योंकि एक समाज जो शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, खोखला है, वो मेरे इन गहन और उच्च विचारों को या मेरी सोच को ग्रहण करके मेरे आंदोलन को आगे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, ये मुझे चिंता है। और मेरे विचारों को मेरे इस देश के 99% अशिक्षित, गरीब, लाचार लोगों तक पहुंचाने का काम उन लोगों का था जिनको मैंने शिक्षित होने के लिए मौका दिया, जिनको सेवाओं में पहुंचने के लिए मौका दिया, उन्होंने वो काम उन लोगों तक नहीं पहुंचाया, मेरे विचार उन लोगों तक नहीं पहुंचाए। तो साथियों, ये वैचारिक युद्ध है, इस वैचारिक युद्ध को बड़ी शुद्धता के साथ लड़ना होगा। माननीय आचार्य जी ने कल एक शब्द नैतिक पर बहुत जोर दिया। आज हम ये नैतिकता की कसौटी मेरे व्यक्ति से शुरू होकर के, मेरे परिवार से शुरू होकर के मेरे समाज तक जानी चाहिए। अभी हम दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं। वैचारिक शुद्धता नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है। वो वैचारिक शुद्धता का संकेत संत शिरोमणि रविदास जी महाराज देते हैं कि रैदास ब्राह्मण न पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे ही पैर चंडाल के जो होवे गुण ज्ञान प्रवीण। रविदास जात के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डार है ओछे कर्म की कीच। परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर क्या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को नहीं मानते थे? सारे बहुजन महापुरुषों को लेकर के, चाहे महात्मा बुद्ध, सम्यक संबुद्ध से लेकर के और छत्रपति साहू जी महाराज तक, सभी महापुरुषों के आंदोलन को अगर समेकित करके, संगठित करके हमारे सामने रखने का काम किया तो सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। और वैचारिक शुद्धता इतनी कि 22 प्रतिज्ञाएं देते हैं, वो 22 प्रतिज्ञाएं देते हैं, और उसमें ये बात छुपी हुई है कि जिसमें शुद्धता नहीं है उसके पैर पूजने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसमें शुद्धता नहीं है उसकी व्यवस्था को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमारे लोग मुझे मंच से, क्योंकि 20 साल हो गए
मैंने भी कैडर दिए हैं, कैडर सुने हैं और कल भी कैडर सुना है मैंने। लेकिन अब बात इस बात पर ठहरती है कि हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आंदोलन, कई लोगों ने चिंता व्यक्त की कि पीछे क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जाने का कारण है कि हमने अपनी वैचारिक शुद्धता सुनिश्चित नहीं की है, हमने पाले नहीं खींचे हैं। रविदास, कबीर, अंबेडकर, फुले, पेरियार, छत्रपति, बाबा साहेब अंबेडकर, बुद्ध एक विचारधारा के चार दीवारी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? उस विचारधारा की चार दीवारी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन आपके यहां पर तो पूरा अतिक्रमण चल रहा है, पूरा अतिक्रमण चल रहा है। लोग मंच से बहुत दहाड़ दहाड़ करके, बहुत बड़े मिशनरी बन करके भाषण देते हैं, और जब मैं उनके घर में झांक करके देखता हूं, उनके गले में झांक करके देखता हूं, तो मुझे खोखले मिलते हैं वो। और वो खोखले लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को फेल किया है। बाबा साहेब अंबेडकर का कारवां किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जा सकता। अगर पीछे गया है तो खोखले लोगों के कारण गया है, उन्हीं खोखले लोगों के कारण गया है जो लोग अपने आप को मिशनरी होने की दुहाई देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, कसौटी पर कसो अपने आप को। शील, शील पांच शील होते हैं, आखिरी शील, आखिरी शील सुरा मेरे मज्य पमा दठाना वेर मणि सिक्खा पदम समाधियामी। जब तुम्हारा आखिरी शील ही भंग हो गया, जो चौथे चार पीछे के चार शील तो कभी टिकाऊ हो ही नहीं सकते, कभी टिकाऊ नहीं हो सकते। अभी मैं चाय पीने के लिए गया था, एक बंदा चाय की दुकान चलाने वाला जो चाय दारू नहीं पीता है, बड़ी वेदना के साथ, बड़े दुख के साथ कह रहा था कि मेरे मोहल्ले में 70-100% अगर 100 महिलाएं विधवाएं हैं तो 70 ऐसी विधवाएं हैं कि जिनके पति दारू पी पी करके मर गए। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यह वैचारिक युद्ध है, इसको समझ जाइए, गहराई से समझ जाइए। करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, शुद्धता लाइए। जो विचारधारा आपकी वहां प्रवेश नहीं कर सकती, तो वो विचारधारा आपकी चार दीवारी के अंदर भी प्रवेश नहीं होनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञा क्या कहती है? ताला ठोक देती हैं, ताला लगा देती हैं, ताला। आप समझो कि जो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करता है और ध्वस्त करके नई व्यवस्था निर्माण करने का आह्वान करता है, क्या उसकी आत्मा नहीं रोती होगी? बाबा साहब अंबेडकर अगर समझौता कर लेते हमारी तरह, रहवर मान्यवर काशीराम जी समझौता कर लेते हमारी तरह, तो साथियों कारवां कहां होता, कहां पहुंचे होते आज हम। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वैचारिक शुद्धता के महत्व को समझिए। बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं दिल्ली प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। दिल्ली प्रदेश में मैं आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी उस टाइम पे MLC हुआ करते थे, दूसरी गवर्नमेंट बनी थी, मीटिंग ली गई थी, मैं भी गया था। उन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से, बड़े व्यवस्थित तरीके से आंदोलन में जो कमी नजर आ रही थी उस टाइम पर भांप ली थी। मैं इनकी दूरदर्शिता को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं कि जिस भविष्यवाणी को इन्होंने उस दिन कहा था वो भविष्यवाणी आज सार्थक हो गई है। और मैं उसी बात से प्रभावित होकर के मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जुड़ा कि इस आंदोलन की एक आधारशिला व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, जो आंदोलन जिस तरीके से चलना चाहिए उसकी आधारशिला परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब ने रखी है। और मैं अभी हम लुम्बिनी में थे उस टाइम पर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि वहां आए थे, और मुझे ऐसा लगा और आज भी ऐसा लगा है कि अगर हम इसी योजना के साथ और बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, दूरदृष्टि के साथ में अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो आंदोलन को पुनः स्थापित
कर लेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर की पीड़ा का निवारण करने में सक्षम हो जाएंगे।